जिसमें सबसे पहले डॉग जीगर आ रहे हैं और फैटल फोर वे जो हो रहा है वो रैंकिंग के लिए इनके लिए हो रहा है क्योंकि ये प्लेयर्स अपने पहले भी बहुत मौके मिले और हार चुके तो इनमें से एक को मौका मिलेगा आगे नंबर वन कंटेंडर खेलने के लिए, लेकिन बाकी तीन तीन मेहनत जो ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन पीछे रैंकिंग में बहुत पीछे हो रहे हैं। बिल्कुल डॉग जीगर पहले आ चुके हैं मिस्टर ऑसम मैन तमीज आ रहे हैं शॉट सेकंड इनके करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे इनके मैचेस पिछले देखने को मिले हैं। क्रिस जेरिको से मनी द बैंक में पहली मैच भी हार गए थे तो आखिरी मैच था इनका आपस में, लेकिन अब इनको अगर आज जीत जाते हैं तो फिर नंबर वन कंटेंडर के लिए मौका मिलेगा, मिल सकता है मौका नंबर वन कंटेंडर के लिए अगर आज जीत जाते हैं तो रैंकिंग में आगे जा सकते हैं अब हमारे आएंगे थर्ड कंपेटिटर मीन्स काफ़ी खुश लग रहे हैं कि ये किन के साथ मैच खेल रहे हैं, जैसे बच्चों के साथ मैच मिल रहा है उनको, बिल्कुल बच्चों के साथ मैच नहीं मिल रहा। बोल्डर्स सबसे सीनियर प्लेयर है इनमें, बोल्डर्स काफ़ी धमाकेदार एंट्री करते हुए सबसे सीनियर है उनको धमाकेदार एंट्री मिलनी चाहिए काफ़ी टाइम बाद आया है WWE 2K16 यूनिवर्स में भी पहली एपिसोड में आए थे उसके बाद अब आए उसका है उसके पास एक और फटर फोर है चार बंदे हैं कोई भी जी सकता है। बैरन कॉर्बिन जो हमारे डेब्यू जो अभी तक ना 16 में नज़र आए ना 17 में और अब नज़र आ रहे हैं बहुत बड़ा मौका है इनके पास सबसे खतरनाक प्लेयर है इस वक्त काफ़ी सपोर्ट करते हुए बैन कॉर्बिन बिल्कुल डेब्यू है इनका डेब्यू एक तक आया बिल्कुल पहले कभी नहीं देखा हमारी सीरीज में और अब आए हैं फाइनली बाकी सारे को देना चाहिए क्योंकि काफ़ी तेज और फुर्तीले काफ़ी अच्छा खेलते हैं रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत आला किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है। बाकी देखो अब 2K17 यूनिवर्स मोड में ये किस तरह अपने कैरियर को लेकर चलते हैं। बिल्कुल एरन कॉर्बिन भी आ चुके हैं चारों कंटेंडर अपने मैच के लिए आ चुके हैं तो अब चलते हैं अपने मैच की तरफ लेकिन एक ही किक में मिज ने गोल्डर्स को पकड़ लिया लेकिन बैन कॉर्बिन ने मारा फिर से जिगलर मारने आना चाह रहे हैं। बैन कॉर्बिन बिल्कुल एक बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों की तरह क्या वो अपनी चुटकी दिखा जैसे किसी बच्चों को मार रहे हो बैन कॉर्बिन ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई कहे नहीं सामने मेरे बस यही है उनकी ताकत उनकी कॉन्फिडेंस रिवर्स सुप्लेक्स मारना चाह रहे थे लेकिन गोल्डर्स ने रिवर्स कर लिया और इधर बैन कॉर्बिन भाई चले गए लेकिन गोल्डर्स ने कॉर्बिन ने पकड़ लिया और टेबल से ऊपर ओह माय गॉड ना जोर का थप्पड़ और गोल्डर्स ने आते साथ ही बैन कॉर्बिन के ऊपर जो हमला किया जैसे रिवर्स सिग्नल का ओह ये फर्स्ट काउंट एनीवेयर मैच है कहीं कहीं पर भी पिन लग सकती है और कहीं पर भी मैच खत्म हो सकता है। ज
जितना यहाँ मैच कम बैक करते हुए और आला मूव सिग्नल की तरफ से मिडल रोप से मारना चाह रहे हैं। बैरन कॉर्बिन उधर बॉल्डिस ऊपर अपने गुस्सा इस बार बैरन कॉर्बिन भी आ गए लेकिन बैरन कॉर्बिन ने मूव ओह माय गॉड भाई गिरा दिया है लेकिन गोल्डस ने फायदा उठाया उसका और मिज को मौका दे दिया। मिज क्या करना चाह रहे हैं मिज खड़े होने का कह रहे हैं और मिज करा माय गॉड व्हाट अ क्लोज लाइन और इधर बैरन कॉर्बिन गोल्डस के ऊपर फिर से धुलाई लेकिन जिगलर का कमबैक मिज ने काफी अच्छा रिटायरमेंट लाए टीम लगता है बदल चुकी है पहले वो दो वहां लड़ रहे थे अंदर आ गए और गोल्डस्ट ने फौरन ही मारा और बैरन कॉर्बिन ने फौरन सिग्नेचर गोल्डस्ट के ऊपर और उधर मिज ने अपना सिग्नेचर ओ गॉड पिन भी लगा सकते हैं वहीं पे जी सकते हैं लेकिन नहीं लगाई पिन तो पता है कि सिग्नेचर काफी नहीं है जिगलर को हराने के लिए गोल्डस्ट का पस मैच और काफी जोरदार चॉप जिगलर जिगलर मिस फिनिशर के लिए जिगलर को बचना होगा रेफरी को पीछे लेकिन रिवर्स रिवर्स और जिगलर जिगलर के फाइनली अपना सिग्नेचर मार दिया पिन पे चले गए रेफरी को वहीं से देख लिया रेफरी टाइम बहुत ले लिया 1 2 kick out और इधर बैरन कॉर्बिन ने गोल्डस्ट को अपना फिनिशर पिन पे ऊपर 1 2 लेकिन वो भी kick out माय गॉड रेफरी के लिए रेफरी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है इस बार बिल्कुल गोल्डस्ट से लगता अपना वास्ता पूरा कर दिया दफा मिस के पीछे आ गए मिस क्या करना चाह रहे हैं लेकिन मिस ने रिवर्स कर लिया काफी जोरदार गोल्डस्ट के पास आ गए रिवर्स और मिस जिगलर का ओ माय गॉड जिगलर ने भी अपना फिनिशर डायरेक्टली इस बार जीत सकते हैं लेकिन मिस फॉर वाले क्यों नो मैन इस बार जीत सकते थे मिस ने देख लिया ओह कम ऑन मिज इस वक्त फॉर्म के अंदर गोल्डस के पास बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है मिज कट और गोल्ड बैरन कॉर्बिन को गुस्सा और सिग्नेचर जो था मिज का वो नहीं मारने दिया और बुझाया गया बैरन कॉर्बिन लेकिन उधर देख गोल्डस पिन पे आ गए हैं लेकिन बैरन कॉर्बिन ने बचा लिया है अब बैरन कॉर्बिन पिन पे आ गए लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा कोई बचाने नहीं आया था गोल्डस मदद नहीं करने आए जिगर ने फाइनली अपना वो बचा लिया खुद लेकिन किक आउट के पास बहुत ताकत अभी और काफी जोरदार स्प्लैश टॉप रॉप पे चले गए टॉप रॉप से जिगर टॉप रॉप पे और खुद भी लग गई गोल्डस को भी लग गई इधर से गोल्डस के पास बिल्कुल भी लेकिन माय गुडनेस गोल्डस के पास बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं था कभी भी हार सकते हैं बैरन कॉर्बिन ने जिगलर को बाहर फेंक लेकिन मिस को भी बाहर फेंकना चाह रहे थे लेकिन रिवर्स कर लिया मिस ने और अब मिस की बारी मिस क्या करना चाहेंगे मिडल रॉप से बुलडॉग उठा रहे हैं लेकिन रिवर्स का कोई फायदा नहीं हुआ फायदा नहीं और पिन पे ओ लेकिन नहीं मिस फिर जिगलर ऊपर जिगलर ऊपर किसी को लगी नहीं लेकिन इस दफा बैरन कॉर्बिन टॉप रॉप से और जिगलर को लग गई और गोल्डस ने अपना कुछ सिग्नेचर टाइप मार दिया और फील्ड पे चले गए लेकिन बैरन कॉर्बिन पीछे ही खड़े थे
सिकलर पीछे से जिगलर और लेकिन उन्होंने गर्दन को नहीं देखा लेकिन अब सर देख लिया वो इतना जोर का सुप्लेक्स मैं तो सुन रहा बाहर ही गिर जाएंगे बिल्कुल सिकलर अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा सिकलर को बहुत जल्दी ओह माय गॉड चारा की सिग्नेचर जिगर और सिग्नेचर मिस को जिगर खड़े हो गए वन टू थ्री मैन जिगर बचा सकते थे लेकिन जिगर आगे ही निकल गए कहीं और बैरन कॉर्बिन बैरन कॉर्बिन ये पैलेस गोल्डस्ट को सिग्नेचर डेब्यू मैच जीत लिया अपना वो भी फैटल फोर में एक के पास बिल्कुल टाइम था वो बचा सकते थे लेकिन मिस कर गए मिस कर गए ये एंड व्यू फिनिशर पड़ा था लेकिन गोल्डस ने कट आउट कर लिया और ये फिर पहले गोल्डस को सिग्नेचर मारा सिग्नेचर मारा और उसके बाद उधर फिनिशर मार दिया दमीज को इसको लेकिन विद जिगलर के पास टाइम था वो काफी आगे निकल गए लेकिन बैरन कॉर्बिन ने इसका फायदा उठाया और जीत गए और कुछ नहीं का ईगो में है वो अपनी के मैं तो जीत ही सकता था ये बिहेव है बैन कॉर्बिन का स्पेशली एक ऐसा बिहेव रहता है इनका लेकिन अपना मैच जीत गया और अपनी रैंकिंग अच्छी कर गए कभी भी डेब्यू में ही और कभी भी नंबर वन कंटेंडर के लिए खेल सकते हैं इंटर यूनाइटेड स्टेट के लिए चैंपियनशिप के लिए तो बैन कॉर्बिन जीत गए और अब अपने राह के मेन इवेंट की तरफ चलते हैं जी गाइस शिंस क्यों नाकामुरा सबसे पहले आ रहे हैं ये हमारा आखिरी राह है बैटल ग्राउंड से पहले बिल्कुल और आखिरी मैच मैच चल रहा है और जो मैच चल रहा मैं जैसे कहा था कि WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो सेकंड कंटेंडर आना है वो आज पता चलेगा और पहला बंदा तो आपने देख ही लिया होगा कि कौन है नाकामुरा आ रहे हैं वहां से एजे स्टाइल ने सेट लॉरेंस और केन को हराया इधर से देखते हैं कौन जीता है जो भी अब आगे दो आएंगे उनमें से कौन जीतता है और एजे स्टाइल के साथ मैच खेलेंगे बैटल ग्राउंड में WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए क्योंकि बेल्ट अभी किसी के पास नहीं रैंडी ऑर्टन के पास थी वो फाइट हो गए अपनी बैंड मूव की वजह से रैंडी ऑर्टन फायर हो गया बिल्कुल लेकिन सिंस के नाकामुरा के पास मौका मनी द बैंक में तो नहीं कुछ कर पाए उधर जॉन सीना बैग ले गए सरप्राइज एंट्रेंस आके अचानक जॉन सीना बैग ले गए भी मौका है वो मैच देखने वाला था वैसे बिल्कुल सेकंड कंटेंडर कौन है दूसरे ओ बिग शो ये भी मनी द बैंक सिंस के नाकामुरा के सामने बिग शो ये भी मनी द बैंक क्वालिफायर है ये मनी द बैंक वाले लगता है ज्यादातर आ रहे हैं क्योंकि उनको मौका है उनके साथ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको एक और मौका मिलना चाहिए बिग शो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर कंटेंडर के लिए बनने के लिए आ रहे हैं केन आए थे पिछले एपिसोड में लेकिन केन के साथ जुड़ा वो तो आपने देख लिया बिल्कुल लेकिन बिग शो केन हारा तो क्या हुआ क्योंकि वो तो मेरे से भी हारा ही था बिल्कुल तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कर जाए कद का अपना कुछ भी कर सकते हैं थर्ड बंदा जो के आए देखते हैं कौन सी इसके नाकाम बड़ी खड़े हैं लेकिन बिग शो नहीं जो के एजे स्टाइल्स के पार्टनर है बिल्कुल उन्होंने क्या और NXT की बेल्ट लेकर
आपको क्लियर कर दूं, वैसे एनएक्सटी बेल्ट लेकर आ गए लेकिन उधर से एजे स्टाइल जीत चुके हैं ऑलरेडी, तो स्मॉल जो है एजे स्टाइल के अच्छे दोस्त भरत और इधर दिस मैन मेरे ख्याल से बेल्ट के लिए कुछ भी कोई कुछ छोड़ेगा हो सकता है, लेकिन ये कुछ स्ट्रेटेजी भी हो सकती है मे बी, क्या अगर समोआ जो जीत जाए तो वो क्या पता वो एजे स्टाइल को वैसे ही बेल्ट दे देंगे, तो मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, लेकिन अगर समोआ जो जीत गया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, हो सकता है एजे स्टाइल के लिए भी, और कोई पता नहीं है शिंस को नाकाम होने के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया कि दो बड़े बड़े और एज समोआ जो से ऑलरेडी हार भी चुके हैं और काफी आला मैच एनएक्सटी का मैच था वो देखने वाला था वैसे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो सकता है। ओह माय गॉड बिग शो की सुपर किक को भी शिंस के नाकाम हो रहा है और समोआ जो ने दोनों को गिरा दिया और बार मिस कर गए, लेकिन फिर से कोई इस बार कामयाब रहे और स्मोजो ने जो खाली ओ, लेकिन बिग शो के साथ पंगा नहीं था लेना चाहिए क्या ट्रिपल थ्रेट अचानक ही शुरू हो गया मैच ये बिग शो के साथ पंगा नहीं था लेना चाहिए दोनों बिग शो के, लेकिन बिग शो ओ माय गॉड टीम को मार रहा है चिंत के नाकाम हो रहा है सुप्लेक्स और अब बिग शो आ रहे हैं लेकिन बिग शो को देख ओ लेकिन मूव मिस ओफ अंदर क्या कर रहे बिग शो काफी ताकतवर मूव और इधर से बिग शो पे मारी है दोनों सिंस के नाकामुरा बाय चले गए और दोनों हट्टे कट्टे लड़के रह गए वापस अंकल ही कह सकते हैं इतनी उम्र हो गई है दोनों की काफी उम्र है मैच दोनों अभी भी अच्छा लड़ सकते हैं सीनियर है बिग शो सबसे ज्यादा स्मो जो काफी ताकतवर है सिंस के नाकामुरा और रिवर्स किया है इतनी ताकत के साथ उठाया सिंस के नाकाम हो रहा उठ गए लेकिन विन के अंदर नहीं आना चाह रहे बहुत बहुत ओ गॉड ओ माय गॉड स्मोच को अचानक सिंस के नाकाम हो रहा ने मार दिया के अचानक ही क्योंकि वो बिग शो को नहीं खेलना चाहते लेकिन रिवर्स कोई फायदा नहीं इसका नो मिस अगेन कोशिश लेकिन फिर कोशिश और कामयाब इस बार कामयाब हुए बिग शो पीछे देख रहे हैं और बिग शो से बचना पड़ेगा इस बार बिग शो से बचना पड़ेगा लेकिन बिग शो को शिंस के नाकामुरा नहीं चाहिए वो दोनों को लेकिन एक को कोने पे फेंका ये शायद फाइट फेंक रहे हैं शिंस के नाकामुरा और फिर भी चले गए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सिंस के नाकामुरा पीछे ही खड़े हैं और जो के पास अभी और बिग शो को लेकिन मारना चाह रहे थे लेकिन बिग शो ने ताकत इतनी है कि साइड पे हो गए इधर बिग शो क्या करना चाह रहे हैं ओ माय गॉड फिर से बिग शो को और इस दफा बिग शो रिंग से बाहर और वो जो अभी भी रिंग के अंदर और सिंस के नाकामुरा के पास मौका के वो लड़े और अपनी और अचानक पिन पे चले गए लेकिन किक आउट ये तो अपना फिनिशर मारने के लिए आ रहे थे बिग शो को देख के रुक गए और उन्होंने प्लान चेंज कर लियो काफी अच्छी मूव और इधर से बिग शो का भी रिवर्स स्मोजो का भी रिवर्स और स्मोजो ने सिंस के नाकामुरा को रिंग से ही बाहर फेंक दिया और डॉन पीछे नहीं देखा और बहुत बुरा कोने पे फिर से एक दफा और टॉप रोप तो माय गॉड वो हरकत जिससे ओ गॉड स्मोजो चले गए आई याद होगा कि बिग शो एक दफा चोक स्लैम ब्रॉन स्ट्रोमन चोक स्लैम से जीते थे ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉन स्पीयर बिग शो ने स्पीयर मारा सिंस के नाकामुरा को सिंस के नाकामुरा की पावर इस स्पीयर की वजह से बहुत कम हो गई लेकिन अभी दफा ओ रिवर्स ओ काफी जोर का
मिडल रॉप से लेकिन वहाँ जो सुपर टॉप रॉप चौक स्लैम खाने से नीचे चले गए फौरन, काफी अच्छा उन्होंने। ओ लेकिन ओ माय गॉड, वो रिवर्स किया कुछ बिचो ने, लेकिन पीछे नहीं पीछे नहीं बात अगेन, इस चीज का गुस्सा चढ़ा है। वो जो को मारने के लिए आ रहे थे लेकिन ऑल द रिवर्स, फिर भी नहीं मारने दे, लेकिन इस बार कामयाब हुए स्मोजो और सिंस के नगा मोड़ा, वहां से बच बचाव करके नीचे निकल गए। काफी मेहनत के साथ बिक्सो के ऊपर, बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं अब स्मोजो के पास, किसी के पास भी स्टैमिना नहीं। पीछे सिंस के नगा, लेकिन इस दफा रिवर्स और मुक्का, काफी जीप सा मुक्का था और पिन पे चले गए, पिन पे चले गए फौरन। 1 2 लेकिन पिक आउट सिंस के नाकामुरा का, इतनी जल्दी कोई भी नहीं हारेगा। स्मोजो अपने आप को रिकवर कर गए, ओ स्मोजो ने, और इस दफा स्मोजो और भी, ओ स्मोजो सिंस के नाकामुरा इस वक्त में, ओ स्मोजो अपनी वाइब्रेशंस के लिए लेकिन रिवर्स हो गई और सुप्लेक्स, और सिंस के नाकामुरा कर रहे थे, और सिंस के नाकामुरा बाहर से अंदर आए लेकिन फौरन उसका, और अब स्मोजो, और स्मोजो का अपना सिग्नेचर पे चले गए और मार भी दिया है। बहुत मुश्किल हो सकती है स्मोजो के लिए क्योंकि स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं। बिक्शो बिक्शो अंदर, बिक्शो अंदर आ गए, बिक्शो अंदर आ गए, मुश्किल में लेकिन बिक्शो ने रिवाइव कर दिया और बाहर चले गए, लेकिन नहीं बिग शो को सिंस के नाकामुरा चाहिए, मैच ऊपर ही जीत सकते हैं लेकिन इस वजह से, और उस मेरी बात दो दफा रिवर्स, सिंस के नाकामुरा वर्सेस बिग शो का मैच, और बिग शो काफी सुस्त आकर जो अपना क्लियर सामना क्लियर करते हुए और तकरीबन कर चुके, लेकिन इधर दोनों के पास कोई स्टाइल, और बिग शो ताकत, वो जो क्या कर रहे हैं, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, कुछ भी चल सकता है। वापस बाहर फेंक दिया, अंदर फेंक दिया लेकिन इधर पिन पे चले गए, वन ओ बचा लिया, उठा लिया, बचा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बहुत बुरा, स्टील स्टेप्स के ऊपर मार डाला, मारने के लिए आए थे लेकिन खुद को ही लग गई, पिन पे चले गए, उस मूव के बाद पिन पे, ओ वन टू ओ माय गॉड, ठीक है दो बच, ओ गॉड बचत हो गई, ओ गॉड ऑलमोस्ट, ओ और इस गाइस ने मारा स्मोजो के लिए, उठना बहुत जरूरी, पिन पे स्मोजो के लिए उठा लेकिन ओके नो ब्रेक, नो ब्रेक ने बचा लिया, फिर से पिन पे, वन टू लेकिन इस बार बिग शो ने ही अपने आप को बचा लिया। गॉड स्मोजो फिर से गिर गए, स्मोजो के पास बिल्कुल ही स्टैमिना नहीं है ना, और बाहर चले गए, बाहर चले गए, ऑलमोस्ट बिग शो जीत चुके थे, जीत चुके थे लेकिन अब बिग शो वापस कंट्रोल में, और बिग शो इस वक्त क्या करना चाहेंगे, और उस टांग के बाद पिन पे चले गए फौरन, वन टू लेकिन नहीं किक आउट, ओ लेकिन मार नहीं जाते किसी को, रिवर्स और स्मोजो ने सिंस के नाकामुरा को मार दिया, ओ चले मार दिया, ओ बिग शो अपना फिनिशर मारना चाह रहे थे, बिग शो फिनिशर मारना चाह रहे थे लेकिन साइड पे हो गए, इस दफा सिंस के नाकामुरा और स्मोजो ही रिंग के अंदर आ गया, और सिंस के नाकामुरा के खड़े होने की कोशिश,
और इस दफा रिवर्स मुक्को की बरसात में फिर रिवर्स और इस बार अपना फिनिशर मारने जा रहे थे लेकिन बचा हो गया उन्हीं को पड़ गया ओ गॉड बिग शो का आना बाद में बिग शो का बाद में वन टू थ्री और इस बार किक आउट नहीं कर सके और बिग शो भी टाइम के अंदर नहीं आ सके अंदर शिंसुके नाकामुरा ने जीत लिया ये मैच वैसे स्टैमिना नहीं था और एंड पे बोजो के पास बिग शो के आने का बहुत जरूरी था बिग शो को आना अंदर और आ गए थे लेकिन लेट हो गया ये बिग शो को फिनिशर पड़ा जिसमें रो ब्रेक हो गई और फिर कोशिश की पिन लगाई इनकी लेकिन फिर वन बार टू बिग शो नहीं होने से पहले किक आउट कर लिया लेकिन समोजो को जब फिनिशर पड़ा तो वो किक आउट नहीं कर सके बहुत कैमरा बिल्कुल भी नहीं था और बिग शो आ गए थे चुके थे और बस और थ्री हो गया था बचा नहीं पाया बिग शो हेल्प नहीं करता के नाकाम हो रहा वर्सेस ए जे स्टाइल्स माय गुडनेस अगर आप जापान का रीमैच पता होगा अगर आपने देखा होगा इनके मैच जापान में इनकी जो मैचेस इनका जो गए हैं इनका एक बहुत अलग किस्म का मैच दिया था एज रियल लाइफ अगर हम बात करें कि एजे स्टाइल वर्सेस जिसके नाकामुरा का जो मैच एक हिस्ट्रिकल मैच यादगार माना जाता है कि जो इनके बड़े आला किस्म के मैचेस गए हैं बिल्कुल जैसे कि पता नहीं कितनी बचपन की कोई इनकी रायवली चलती आ रही है क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और जिसके नाकामुरा जीत गए थे 2K17 में वही मौका जिसके नाका को मिला आयरन मैन मैच होगा 15 मिनट्स आयरन मैन मैच बैटल ग्राउंड में मेन इवेंट WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल तो वो मैच देखना मत भूलिएगा पेपर व्यू देखना मत भूलिएगा हमारी आखिरी एपिसोड थी बैटल ग्राउंड से पहले और आपको पसंद आ रही हो तो आज के बाद हम स्मैकडाउन में आखिरी एपिसोड थी बिल्कुल स्मैकडाउन के बाद आना उसके बाद हमारा बैटल ग्राउंड स्टार्ट होगा लेकिन शिंसुके नाकामुरा अपना मैच जीत चुके हैं और मैच भी अच्छा हो गया है अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलें और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लीज़ यार फीडबैक दे दिया करो नीचे थोड़ा सा लिखना ही होता है और दुआओं में हमें याद रखिएगा और आगे अच्छी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे अभी के लिए अभी हमें इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़